हूँ, एक बात कोट करूंगा बाबा साहब अम्बेडकर की, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान तो बना के हम दे रहे हैं, लेकिन अगर इस संविधान को नाफिस नहीं किया गया, इसको पूरे प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया गया, तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो संविधान की प्रतियां, जो ओरिजिनल प्रतियां हैं, उसको जलाकर राख कर दूंगा। ये मेरा कहना नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा बाबा साहब ने कि बाबा साहब को मालूम था कि हमारा पास क्या है, उनको मालूम था कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर दलित भाइयों का उत्पीड़न हुआ है। 3000 साल तक उनके कमर के ऊपर झाड़ू बांध कर उनको चलाया, कहा जाता था कि आप चलिए, क्योंकि आप जब चलेंगे तो सड़कें नापाक हो जाती है, गंदी हो जाती है, लिहाजा आप झाड़ू देते हुए चलेंगे कि जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े वो आप साफ करते हुए जाए। उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि अगर इस संविधान को लागू नहीं किया गया